गुड आफ्टरनून एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे इज योर इंग्लिश क्लास एंड वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 6, द नॉटी शेफर्ड. शेफर्ड मीन्स क्या होता है? एक चरवाहा जो गाय भैंसों को चराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेफर्ड. तो चलिए आज हम उसकी स्टोरी पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लिटिल शेफर्ड इन अ विलेज. बहुत समय पहले एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था. ही टुक हिज फ्लॉक ऑफ शीप अप द हिल. द शीप ग्रेस्ड देयर. ही सैट ऑन अ हिल एंड लुक्ड एट द फ्लॉक. ही डिड द सेम थिंग एवरी डे. वो जो चरवाहा था वो अपने भेड़ों के झुंड को पहाड़ियों पर ले जाया करता था. वहाँ पर वो घास चरते थे और वो एक पत्थर पर बैठ जाता था और अपने झुंड को देखा करता था, और यही चीज़ वो प्रत्येक दिन करता था. वन डे अ मिस्चीवियस थॉट केम टू हिज माइंड. ही स्टर्ड अप द हिल एंड क्राइड लाउडली, वुल्फ वुल्फ हेल्प हेल्प. एक दिन उसके दिमाग में एक बहुत ही रहस्यमयी आइडिया आता है. वो सोचता है कि क्यों ना सबको बेवकूफ़ बनाया जाए. ही वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, भेड़िया आया, भेड़िया बाया, मेरी मदद करो. द विलेजर्स हर्ड हिज क्राई. दे रैन अप द हिल. एज दे केम अप दे फाउंड द लिटिल शेफर्ड लाफिंग. देयर वॉज नो वुल्फ. दे वेंट बैक टू देयर फील्ड्स. अब जब विलेजर्स उसका रोना सुनते हैं तो वो दौड़कर वहाँ पर आते हैं, और वो वहाँ पर जब आते हैं तो वो देखते हैं कि वो छोटा चरवाहा हंसता रहता है और वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं था. वे सब फिर से अपने खेतों को लौट जाते हैं. द लिटिल शेफर्ड इंजॉय दिस ट्रिक. अब जो लिटिल शेफर्ड था, छोटा चरवाहा था, उसे इस बात में बहुत मज़ा आया कि मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह मेरे झूठ बोलने पर लोग यहाँ दौड़ते हुए चले आए थे. आफ्टर अ फ्यू डेज ही प्लेड द सेम ट्रिक अगेन. कुछ दिनों बाद उसने ऐसी सेम ट्रिक फिर से की. ही स्टूड अप द हिल एंड क्राइड लाउडली, हेल्प हेल्प वुल्फ. वो फिर से पहाड़ पर खड़ा हो गया और वहाँ से चिल्लाने लगा रो रोकर, हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ, मदद करो, मेरी भेड़िया आया है. द विलेजर्स लेफ्ट देयर वर्क एंड रश्ड अप द हिल. सारे जो गांव के लोग थे वो अपना काम छोड़कर पहाड़ी पर भागते हुए आते हैं. दे फाउंड नो वुल्फ बट हिज शीप ग्रेजिंग ग्रास पीसफुली. वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था और उसकी जो भेड़ें थी वो बहुत ही शांति से घास चर रही थी. द विलेजर्स आस्क्ड द बॉय वेयर इज़ द वुल्फ. जो विलेजर्स थे वो लड़के से पूछते हैं कि भेड़िया कहाँ है. द लिटिल शेफर्ड लाफ्ड, हा हा, आई हैव मेड अ फूल ऑफ यू. जो लिटिल शेफर्ड था वो हंसता है और कहता है कि मैंने तुम सबको मूर्ख बनाया. द विलेजर्स वर वेरी एंग्री. दे रिबूक्ड हिम एंड वेंट बैक. इट वॉज ग्रेट फन फॉर द शेफर्ड. जो विलेजर्स हैं, गांव वाले रहते हैं, वो बहुत ही नाराज़ होते हैं. वो उसको डांटते हैं और वापस चले जाते हैं. लेकिन जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, उसको इन सब में बहुत मज़ा आता है. द नेक्स्ट डे वुल्फ रियली केम टू अटैक हिज फ्लॉक. द लिटिल शेफर्ड वॉज स्केयर्ड. लेकिन अगले दिन एक सच में एक भेड़िया वहाँ पर आ जाता है और उसके भेड़ों के झुंड पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है. द लिटिल शेफर्ड वॉज स्केयर्ड. जो छोटा चरवाहा था वो बहुत ही डर गया. ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग टू सी द वुल्फ. वह भेड़िए को देखकर कांपने लगा. ही क्राइड वुल्फ वुल्फ हेल्प हेल्प. द वुल्फ किल्ड अ लैम्ब. ही केप्ट ऑन क्राइंग वुल्फ वुल्फ हेल्प हेल्प. अब जो वो डर से कांप रहा था और चिल्लाता है कि भेड़िया आया, मेरी मदद करो. भेड़िए ने एक लैम मतलब मेमने को मार दिया. फिर और जो बच्चा था शेफर्ड रहता है, वो चिल्लाता रहता है कि भेड़िया आया है, मेरी मदद करो. द विलेजर्स हर्ड हिम क्राइंग. जो विलेजर्स थे वो उसे रोता हुआ, उसकी रोने की आवाज़ सुनते हैं.
They thought that the boy was again playing a trick for his amusement. लेकिन जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, वो उन्हें दो बार बेवकूफ़ बना चुका था. इसलिए गांव वाले ऐसा सोचते हैं कि जो ये बच्चा है वो फिर से अपने मज़े के लिए हमें बेवकूफ़ बना रहा है और वही सेम ट्रिक अपना रहा है. सो नो विलेज केम टू हेल्प हिम. इसलिए कोई भी गाँववासी उसकी मदद के लिए नहीं आता है. द वुल्फ किल्ड फोर ऑफ हिज स्लीप एंड ही शीप एंड टुक देम अवे. जो भेड़िया था उसने उसके चार भेड़ों को मार दिया और उन्हें अपने साथ ले गया. द लिटिल शेफर्ड वॉज फुल ऑफ रिमोर्स फॉर हैविंग फूड द विलेजर्स. अब जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसे बहुत ही अधिक पछतावा हो रहा था कि उसने गाँव वासियों को मूर्ख क्यों बनाया. और उसे ही क्राइड ओवर ही शीप किल्ड बाई द वुल्फ. और वह भेड़ों के मारे जाने पर भी उसे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए वह रो रहा था. सो वॉट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलता है कि हमें दूसरों के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए. उसने दो बार झूठ बोला, इसीलिए तीसरी बार सच जब सच में उसके साथ ऐसा बुरा हुआ तो कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया. इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए.